जिंदगी में पहली बार मछली खाए, अच्छा है ना। बाल मत सेट करो मेरे वीडियो में आके, बाल क्यों सेट करते रहते हो तुम हमेशा ही, तुम ऐसे करते हो। बंगाली खाना खाना है तो इस तरह से, और ये इसमें इसका नाम क्या है, इसमें चक्कर जैसे उंगली डाल के पता निकाल के खाओ, मजा नहीं आता। बहुत जन होगा नेगेटिव कमेंट करेगा कैसे कि तुम, बट जब तक तुम ऐसे अगर ये नहीं खा रहे हो ना, मजा नहीं आता। तरह से तोड़ा जाता है, फिर तोड़ के ऐसे निकाल, इसको बोलते हैं कोपची डुबाना। ऐसे करके निकालने को कहते हैं कोपची डुबाना। अभी हम आपको खा के बताते हैं। मैं तो ऐसे कोपची डुबा के खाने जिसको बोलते हैं बंगाली में, मैं उस तरह से खाऊंगा। एक गलत चीज नहीं पी रहे हम लोग, हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अभी इस लड़की का खाना देखो आप लोग, तो तूने तीन पीस पे ही रखा है मामा? ना अभी हम कहीं खाओ, एक पीस कोई। अभी क्या क्या आया है? तो पहले आ गया है नींबू हम लोग के लिए, और अब क्या आ रहा है देखा जाए। सो ये मिर्चा और ये नींबू आ चुका है, अब देखते हैं। अब ये ऑथेंटिक राइस, ओह माय गॉड, सर्व करना नहीं आता लड़की को, बहू बनने के लिए सही नहीं है, बहुत ट्रेनिंग बाकी है अभी, बहुत ट्रेनिंग बाकी है इसका। इतना सब कौन खाता है? तो तुम लोग को मेरा शक्ल देख के लगता है कि मैं इतना सा खाता हूँ। ओके आई लव दिस ग्रेवी, प्लीज गिव मी द ग्रेवी, आई डोंट वांट दैट स्टफ्स। ओके यहाँ पे है पुलाव, राइस, ये है चिकन, ये है सलाद, इसको शुक्तो बोला जाता है, फिर ये है पुलाव, ये दाल, ये है मटन, एंड दिस इज कॉल्ड आलू भाजा, और ये पानी, और ये है ये। और राइस तो इसके साथ ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए क्या?
be thinking something. Let's see. इसको तो वैसे बंगाली बिल्कुल नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं. आज इसको ऐसे मन हो गया चलो बंगाली खाते हैं, और ऑथेंटिक बंगाली थाली ले लिया इसने. बोलो मुझे भी भूख लग रहा है मेरे को खा. तो मैं अभी फाइनली पुलाव और ये पाचलाओं का चिकन आ गया. तो मुझे लगा था ये थोड़ा स्पाइसी होगा, बट बिल्कुल स्पाइसी नहीं. मीठा पुलाव के साथ अगर स्पाइसी चिकन या मटन नहीं खाओगे तो कैसे अच्छा लगेगा. बिल्कुल स्पाइसी नहीं था. तो बेसिकली इधर तो इरिश फेस्टिवल चल रहा था, तो मैं हम लोग ऐसे ही आ गई क्योंकि इसका मन था चलो ऑथेंटिक खाते हैं, तो ऑथेंटिक बंगाली फूड. तो इसलिए मैं उसको फोर्स कर रहा कि चिली खा ले, चिली खा ले, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं खाता. तो मैं मजाक मस्ती कर रहा था कि मैं बहुत दिनों बाद आए हम लोग खाने के लिए. ये पिछले मंथ का वीडियो है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रही थी. तो हम लोग गए थे इलिश फेस्टिवल एंजॉय करने, ठीक है. हम लोग इलिश चिकन कुछ नहीं खाया, मुझे पता था नहीं खाएगा, इसलिए मैं इसको मना कर रहा था, मत चा. किसके बाद कौन सुनता है बोलो? अच्छा बात कभी कोई सुना है? कोई नहीं सुनता है. फिर आके देखती हूँ तो बंगाली ऑथेंटिक थाली लेके बैठ गया. मैं उधर पुलाव खत्म नहीं कर पा रही हूँ, इसका इधर दूसरा राइस के लिए बोल रहा है. तो मैं उसको मना कर रही थी, मत खा मेरा वाला भी तेरे को खाना है, मैं नहीं खा पा रही थी. तो बट टेस्ट हाँ ठीक है, टेस्ट ठीक है, बट स्पाइसी नहीं था चिकन, इसलिए मैं पुलाव नहीं खा पा रही थी. मैं दो तीन चम्मच खाने के बाद ही मैं फुल हो गई थी. मैं उसको बता रही थी कि तू खा ले मेरा खाना, खाना मत वेस्ट कर, या तो फिर पार्सल कर लेते हैं. बट हाँ बहुत दिनों के बाद हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है दोनों मिल के. तो हमारा दोस्ती है ना, इतना मजाक मस्ती होता है इसमें. अगर कोई सोचा ना, अगर कोई देखे ना हमको, मतलब क्या बताओ, वो लोग हमारा बात सुन के हंसते 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 पागल हो जाएगा. हम लोग उधर खाने बैठे हैं, मिडिल में हम दोनों को टेबल मिला था, और आसपास जो भी बैठे हैं सबको लेकर मजाक मस्ती कर रहे थे. हम लोग बिचिंग कर रहे थे बैठ कर. तो जो गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड होता है ना, एक दूसरे के साथ बिचिंग करता है, इसका कपड़े, इसका हेयर, इसका मेकअप लेके. हम दोनों वही करते हैं हमेशा हमेशा बैठ बैठ के. और ये लाइट मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, मैं उसे गुस्सा आ रही थी. मैं उसको कह रही थी कि फोड़ दू ये लाइट, इतना परेशान कौन करता है भाई, फोड़ देती हूँ इसको. तो ये सब करती हूँ मैं, हाथ से काट कर रही हूँ कि रुक जा मेरी बाप प्लीज. लाइट उधर वैसे बहुत ही कम लाइट था, डिम डिम लाइट चल रहा था. तो उसमें से ये एक बड़ा लाइट जो मेरा कैमरा का सामने आ गया, पूरा फ्रेम खराब कर रही थी. बट हाँ ऑल्दो खाना सब कुछ अच्छा था, बट सिर्फ चिकन को छोड़ के पुलाव और मटन अच्छा लग रहा था. मैंने एक दो बाइट खाया है, अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो और इसका जो प्राइसिंग है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक एक प्राइसिंग है. बट मुझे भी ग्रेट है क्योंकि मुझे पसंद है. इसको मैंने कहा था फिश खा सकती है क्योंकि मैं मुझे पसंद है थोड़ा बहुत फिश. बट मुझे लगा कि नहीं चलो पुलाव के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा चिकन या मटन. मैं बाहर का मटन वैसे नहीं खाती हूँ, मैं इधर आके थोड़ा ग्रेवी के साथ ट्राई किया था पुलाव एंड थोड़ा सा मटन को ग्रेवी लेके ट्राई किया था, जो अच्छा लग रहा है, जो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था. बट ट्रस्ट मी, मटन एंड पुलाव
और वो उसमें तो हो सकता बंगाली में दाल शुक्तो आलू भाजा मटन ये सब दिया था, उसको बहुत पसंद आया था ये सब। तो एक्चुअली वो इतना बंगाली फूड नहीं खाता, घर में होता है ना कभी भी नहीं खाते हैं। मेरे कल कॉल करते हैं बोलते हैं चल आज खाने में कुछ अच्छा नहीं, चल आप दोनों खा के आते हैं, ऐसा होता है। हम लोग मजाक मस्ती करते करते खा रहे थे और मेरे नाम भी वो बिकिंग कर लेते वो पुलिस लिए, मैंने इसको वॉइस को दे दिया ट्रस्ट मी इसका बिकिंग मैं सुनने नहीं दूंगा किसी को। बट उसके बाद हमारा बिल हुआ था करीब 2500 के करीब एंड उसके साथ उसने पान भी दिया था मीठा पान, जिसमें मैं वीडियो लेना भूल गया था क्योंकि मुझे बहुत दिनों से टाइम लैप्स करने का मन था, इसलिए आज मैंने टाइम लैप्स ले लिया। बट मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो इसी वजह से मेरा फ़ोन मिडिल में ऑफ हो गया, तो मैं बाकी कुछ वक्त का जो था वो नहीं ले पाया। बट उस उधर का एम्बियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, पूरा बंगाली एम्बियंस अगर आपको चाहिए तो उधर मिलेगा प्रॉपर। उधर शादी वादी का जो आई पूर्व भाग होता है ये सब के लिए वो अनुप्रचन होता है, उसके लिए भी प्रॉपर एम्बियंस है लाइक पूरा वो पीतल का जो ग्लास प्रदीप होता है ना पित्तल का प्रदीप सब कुछ टेबल में मौजूद है, पानी एक बैम्बू के अंदर आती है पानी का बॉटल्स, तो बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा है। और मैं ये सब नहीं ले पाया क्योंकि मुझे जाके इतना ज़्यादा भूख लगा था कि मैं स्टार्ट कर दिया खाना, तो मैं उसके बाद से फिर वीडियो ले ली बाद में खाने के बाद थोड़ा बहुत खाते हैं फिर वीडियो नहीं ले क्योंकि मुझे दो दिन जब तो हम लोग खाने में ज़्यादा ध्यान दे दिया और वीडियो नहीं ले पाए, तो मैंने शॉर्ट्स के लिए लिया, शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।